नमस्कार। मुश्किलें तभी तक मुश्किलें हैं जब तक उन्हें मुश्किलें माना जाए। जरा नजदीक जाकर देखिए तो वो मुश्किलें आपको एक अवसर नजर आने लगेंगी। तो मुश्किलों में ही मौके छुपे होते हैं, उन्हीं मौकों के साथ जिंदगी को प्लान करना होता है, और यही हमें बताते हैं ज्योतिष गुरु आपके तारे। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सबसे पहले पंचांग जानते हैं, फिर हमारी और आपकी बात होगी तफसील से। आज 16 जनवरी 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। माघ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। षष्ठी तिथि है सुबह 9:42 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि है। हस्त नक्षत्र है देर रात 2:30 तक और उसके बाद चित्रा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में। आज दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला मुत्तु पोंगल है और भद्रा है सुबह 9:42 से रात 8:33 तक। तो मेष और वृषभ, कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन और कैसे करना है आज के दिन को आपको प्लान, जानते हैं ज्योतिष गुरु से। मेष राशि वालों के मन में चिंताएं कुछ ऐसी हैं जो आप संभाल नहीं पा रहे, और बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं जो आपने अपने मन में बना रखी, फिर भी रिश्तों को लेकर असंतोष हो सकता है और सेहत की ओर ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें अपनों की सेहत भी शामिल है। क्या करना चाहिए समय में, जो भी आपके सामने चुनौतियां हैं उनके प्रति बेपरवाह होते चले जाने से बचना होगा, और इस कारण हर काम को अपनी लगन से पूरा करने की कोशिश भी करनी होगी, तभी जाके सफलता के रास्ते खुलेंगे। सिर्फ चिंताएं लगाने से नुकसान ही होता है। क्या ना करें इस समय में, कोई ऐसा नया रास्ता अपनाने की कोशिश ना करें जिसमें किसी भी तरह का छुपा हुआ नुकसान हो। इसलिए ऐसा ना सोचें कि सब कुछ ठीक है, बहुत कुछ ठीक होने के बावजूद किसी भी उठाते चले जाना ठीक नहीं। काम और कारोबार को लेकर बदलता हुआ समय है जो आपके लिए बहुत सारी उपलब्धियों के रास्ते खोल सकता है, फिर भी किसी चीज को लेकर जल्दबाजी दिखाना ठीक नहीं। वृषभ राशि वाले अपनी कोशिशों से अपने हालात बेहतर कर सकते हैं। काम के प्रति आपका प्रदर्शन भी बढ़ेगा और रिश्तों को संभालने के लिए आपकी जागरूकता भी बढ़ेगी, और इस समय यही चीज आपकी मदद कर सकती है कि आप अपनों के प्रति कितना सजग बने रहते हैं। क्या करना चाहिए समय में, कुछ सीखने का और ऐसा करके अपनी तकदीर को जगाने का अच्छा समय है। निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने के लिए भी अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा, और अगर किसी भी बात को लेकर असमंजस है तो भी शांति बनाए रखनी होगी, क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपनी आर्थिक स्थिति को अपनों के लिए सही रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या न करें इस समय, पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जो आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करता चला जाए। चाहे काम या कारोबार ही क्यों ना हो, जरूरत से ज्यादा किसी एक चीज में पैसा न लगाते चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी किसी अच्छाई का फायदा कोई और उठा के ले जाए। तो जरूरत से ज्यादा एक तरफ इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई आपकी अच्छाई का फायदा ना उठा ले। आगे बढ़ेंगे और अब लेंगे सवाल प्रियांश सरकार का है। 1/11/1996 1:25 दोपहर में जन्म हुआ है कोलकाता में। तबीयत बहुत खराब रहती है, फिलहाल मास्टर्स कंप्लीट किया है ज्योग्राफी से। किस लाइन में बढ़ना इनके लिए अच्छा रहेगा ये अभी तक तय नहीं कर पाए, और शादी कैसी होगी, लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज, बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं कर दिया इन्होंने करियर को और शादी, इश्क मोहब्बत सबको। प्रियशा, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की फरवरी 2021। ज्योग्राफी में आपने मास्टर्स किया है, आगे क्या करना चाहिए सवाल पूछा। देखिए, अभी जो आपकी कुंडली कहती है कि पढ़ाई में या किसी तैयारी में आपका उतना मन नहीं, इस वजह से अप्रैल-मई 2020 में जो जॉब मिले उसे ले ले, फिर बेहतर जॉब पाने के लिए और तैयारी करते रहें, और वो बेहतर जॉब या बेहतर परिस्थितियां कैरियर को लेके आपके लिए बन सकती हैं 2021 में। अभी शादी का ना सोचें, पहले कैरियर बना लें। देखिए, अप्रैल मई 2020 में जो जॉब मिले उसे आपको ले लेना चाहिए, और अभी शादी का ख्याल मन से निकाल देना है, पढ़ाई ही करनी है जिसमें मन लगाना है आपको, हमें आगे बढ़ना है। और अब बात करनी है मिथुन और कर्क आपकी, आइए देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मिथुन राशि वाले लोगों की खुशियों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर निजी जीवन में हालात कुछ ऐसे हैं कि उस अच्छाई का भी पूरा फायदा नहीं मिल रहा आपको। यही वजह है कि आपकी कोशिशें भी बिखरती चली जा रही। क्या करना चाहिए समय, घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा और प्रयास करना होगा, और जो लोग आपके खिलाफ रहे हैं उन्हें भी अपनी ओर करने के लिए आपको बहुत सारे प्रयत्न करने होंगे। निजी जीवन को संभालने के लिए जो भी कोशिशें करें उसमें अपनों के विचारों को ज्यादा समझने की कोशिश करें, ताकि आपके प्रयास उसी रूप से बने रहें। क्या न करें इस समय में, अपने काम या कारोबार को लेकर कोई ऐसा विचार न बनाते चले जाएं कि आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है, जबकि किसी चीज को थोड़ा सा दूसरे रूप से समझने की भी जरूरत है। कामकाज से जुड़ी चुनौतियां हो सकती हैं, पर ऐसे में कामकाज से जुड़े अपने साथी सहयोगियों को
किसी भी वजह से नाराज ना करें। कर्क राशि वालों की अच्छी कोशिशों का फल मिलने का समय बनता चला जा रहा है, क्योंकि आपकी एकाग्रता ही आपको लोगों से जोड़ेगी और आपकी कोशिशों में इजाफा होगा। इसी बात से फायदा उठाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों को खुश करने के लिए अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो संभल कर चलें, क्योंकि किसी भी तरह की उदारता से या जल्दबाजी से बचना होगा। आपकी अच्छाई के बावजूद हो सकता है लोग आपसे दूरियां फिर भी बनाए रखें। क्या ना करें समूह में? निजी जीवन में किसी भी तरह की तकरार की स्थिति न उत्पन्न होने दें। अगर किसी भी तरह का भरोसा टूट रहा है तो और भी ज्यादा सतर्क हो जाए, ताकि रिश्तों पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो रिश्तों का ख्याल रखिए, भरोसा मत टूटने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, सिंह और कन्या राशि अब आपके लिए देखते हैं कैसा है आज का दिन, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों की मुश्किल भरी परिस्थितियों में भी आपके लिए कोई ना कोई लाभ छुपा हुआ है, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो सकता है। पर पैसे से जुड़े किसी भी तरह के फैसले को ध्यानपूर्वक लेना होगा, ताकि पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। क्या करना चाहिए समूह में? अगर आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है तो किसी भी देनदारी को चुकता करने का समय। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अपनों की बढ़ती हुई जरूरतों को समझें और उन्हें पूरा कर लें, ताकि जिंदगी की खुशियां आपके लिए भरपूर बनी रहें। क्या ना करें समूह में? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी मुश्किलों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। भरोसा किसी भी तरह के रिश्ते की नींव होती है, इसलिए भरोसे को ना टूटने दें और किसी भी तकरार को इतना ना बढ़ाएं कि मुश्किलें हावी होनी शुरू हो जाएं। कन्या राशि वालों के लिए पैसे का आगमन बना हुआ है और अपने पैसे से जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक लेने होंगे। घर परिवार में अपनों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने से खुशियां प्राप्त हो सकती हैं, पर इस चीज का बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समूह? रिश्तों के प्रति अपनी इच्छाओं को बनाए रखें, क्योंकि उन इच्छाओं के पूरा होने का समय है। लोग भी आपकी बात को भली भांति समझ पाएंगे और आपको हर तरह का सहयोग देंगे। इसी अच्छाई के चलते जिंदगी के फैसले लिए जा सकते हैं। क्या ना करें समूह में? लोगों की जो भूमिका आपकी जिंदगी में बनी हुई है, उसे कमी की नजर से ना देखें, पर साथ ही साथ किसी बड़े बदलाव का सोच के आप अपनी आज की स्थिति को कमजोर भी ना करते चले जाएं। तो बड़े बदलाव को सोचकर आज जो समय है उसे व्यर्थ मत कर दीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। सवाल है विजय कुमार ठाकुर का, 10/2/1984 10:20 AM सुबह इनका जन्म हुआ है, समस्तीपुर बिहार। शादी के बारे में जानना चाहते हैं, बात बन क्यों नहीं पा रही है तमाम कोशिशों के बावजूद, कब तक सही समय है शादी का? विजय, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2021 तक। कब तक शादी होगी? आपने कहा कि बात बनते बनते रह जाती है और इस वजह से देरी होती चली जा रही। देखिए, आपकी शादी का एक अनुकूल समय बनता है अगस्त सितंबर 2021 में, थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है। और उस वक़्त शादी के समय और शादी के बाद भी आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत तालमेल बना के चलना है, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। अगस्त सितंबर 2021 में शादी का सही समय है और उस समय भी आपको तालमेल बनाए रखना होगा, ये बहुत जरूरी होगा आपके लिए एक सुंदर सुखद शादीशुदा जीवन के लिए। हमें आगे बढ़ना होगा और अब जानना होगा कि तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए कैसा है आज का दिन, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुला राशि वाले ही समझ ले कि कामकाज से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की उत्तेजना अच्छी नहीं है, इसलिए जल्दबाजी से लिए गए फैसले आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। किसी भी दिशा में अपने बढ़ते हुए कदमों को रोकना होगा, ताकि पहले से ही सही फैसला लिया जा सके। क्या करना चाहिए समूह? निजी जीवन में अपनों को समझने का समय है और जो भी मौका मिले उसमें अपनों के करीब आने का प्रयास कर लें। कोई अच्छा निवेश करके अपनी खुशियों में इजाफा किया जा सकता है। क्या ना करें समूह? अपनी अच्छी भली स्थिति को किसी ऐसे मतभेद की वजह से ना बिगाड़ें जिसमें आप किसी एक व्यक्ति की तरफदारी करते चले जा रहे हो, क्योंकि ऐसा करने से वो मतभेद संभलेगा नहीं बल्कि और बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए रिश्तों से जुड़े किसी आंकलन में गलती कर जाना भी ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है और आपकी प्रेरणा भी जगी हुई है। काम से भी लाभ बना हुआ है और उसी अच्छाई की वजह से अब काम में और ज्यादा मन लगा रहे हैं आप। क्या करना चाहिए समय? जो भी लाभ बन रहा है उसे किसी ऐसी बचत में लगाएं जिसमें आपका पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए किसी की बातों में आने से बचें और अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें ताकि आपके फैसले सही हो सके। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को दूर करना होगा। अगर भरोसा टूट जाए तो किसी भी रिश्ते को संभालना आसान नहीं होता, इसलिए अपनी बातों में भी बहुत सारा धैर्य अपनाना होगा ताकि आपकी कही हुई बात का कोई और मतलब ना निकाला जाए।
धैर्य जरूरी है ताकि आपकी बातों को मिस इंटरप्रेट ना किया जाए, गलत मतलब ना निकाला जाए। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए क्या किया जाए ये आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु, बस आपको करना है वो जो बताया जाए। धनु राशि वालों के कामकाज को लेकर बहुत सारी उथल पुथल हो सकती है जिसके चलते आपका मन परेशान रहे, फिर भी कामकाज की स्थिति संभली हुई है और काम से लाभ भी बना हुआ है, इसी अच्छाई को बनाए रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। क्या करना चाहिए समय, जिस भी प्रयास को करेंगे उसमें आपका अपनों का सहयोग मिलेगा और ऐसा करते हुए आपका भरोसा भी जगेगा। अपने बढ़ते हुए खर्चों को थामे रखने से बच के निकल जाना बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में, निजी जीवन की खुशियों को किसी व्यर्थ की बहस की वजह से बर्बाद न करते चले जाएं। इसलिए कामकाज के क्षेत्र में भी इसी तरह का धैर्य बनाए रखें ताकि लोग आपको समझने में कोई गलती ना कर जाए। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़ी हर तरह की अच्छाई बनी हुई है और आप जिंदगी के सुख और सुकून को भलीभांति समझ भी रहे और संभाल भी रहे। क्या करना चाहिए समय, तकदीर हर तरह से आपके साथ है। ये और बात है कि कुछ लोगों की आलोचना आपको सहनी पड़े, पर वैसे भी हर व्यक्ति को खुश करना मुश्किल ही होता है, इसलिए भी अपना बचाव बना के चलना ही जरूरी है। क्या ना करें इस समय में, बढ़ते हुए खर्चों का असर ये हो सकता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से संभाल ना पाए, फिर भी काम से लाभ बना हुआ और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो आपकी आर्थिक स्थिति को संभाले रखे। क्या बात है, तमाम चीजें उल्टी होने के बावजूद काम से लाभ बना हुआ है, बहुत अच्छा समय है, बहुत ख्याल रखिए अपना। कुंभ राशि वालों के सामने कुछ तो मुश्किलें हैं और कुछ आपने अपने मन में उन्हें बढ़ा चढ़ा रखा है जिस वजह से आपको हर चीज परेशानी भरी ही लग रही। क्या करना चाहिए समय, इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा बढ़ा लेना भी मुश्किलों को बुलावा देने के बराबर होता है। घर परिवार में आपके अपने आपके साथ हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता आपकी मुश्किलों का कारण बन सकता है, इसलिए इस बात को भली भांति समझना होगा कि लोग क्यों आपसे नाराज हैं और क्यों आपकी बात को समझने में कोई ना कोई कमी बनी हुई है। क्या ना करें इस समय में, काम से जो लाभ बना हुआ है उसे बनाए रखने में कोई गलती ना करें, इसलिए रिश्तों को भी उतनी ही प्राथमिकता दें जिसका बुरा असर आपके पैसे पर बिल्कुल ना पड़े। मीन राशि वालों के मन में किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का विचार है और आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके अनुकूल ही बना हुआ है, पर जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझना बहुत मुश्किल है। क्या करना चाहिए समय, जो लोग आपको समझना चाह रहे हैं उनके विचार भी आपके विचारों से भिन्न हो सकते हैं, इसलिए हर एक की बात को भली भांति समझ कर ही फैसले करने होंगे। अगर निजी जीवन में किसी भी तरह की तकरार की स्थिति बनेगी तो उसका असर बहुत दूर तक जाएगा, इस बात को भी भली भांति समझते हुए ही आपको आगे बढ़ना होगा। ऐसे में निजी जीवन में अपनों के प्रति भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में, सिर्फ इस बात को लेकर तसल्ली न कर लें कि आप सही हैं, क्योंकि सही और गलत का कोई एक मापदंड नहीं होता, जहां आप सही हैं वहां दूसरे भी सही हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपनी ही बात ना मनवाइए, दूसरों की भी सुन लीजिए। ज्योतिष गुरु, जैकपॉट। मेष राशि वालों के लिए खास उपाय है जी के आने वाले एक सप्ताह तक हर रोज सोमवार को किसी शिव मंदिर में माथा टेक लें। कई बार हम अपनी बनती बिगड़ती परिस्थितियों को समझ नहीं पाते, ऐसे में अपने मन में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमेशा मुश्किलों को अवसरों के तौर पर देखिए और वो अवसर आपको जिंदगी में बहुत कुछ करने चमकने का मौका जरूर देंगे। आईडी खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।